पहले हम पैन को गरम कर लेते हैं। पैन को हम लोग गरम कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग डालेंगे सरसों का तेल। ये तेल गरम हो जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे मछली को। तो मछली तो हमने दे दिया है, अब इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। मछली फ्राई हो गया है, अब हम तेल लेके प्याज डालेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, लाल लाल करके फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट को। मसाला को अच्छे से हम पकाएंगे। मसाला पक जाए उसके बाद हम लोग डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स और जीरा गुड़ा। ये सूखा मसाला को अच्छे से धीमी आंच में हम लोग थोड़ी थोड़ी पानी देके ये मसाला को हम पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही को। तो दही को अच्छे से हम लोग पका लेते हैं। ये ग्रेवी से तेल छोड़ रहा है, अब इसे पानी देके पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम मछली को। मछली को 10 मिनट के लिए धीमी आंच में हम लोग छोड़ देंगे ग्रेवी में। ये धीरे धीरे पकेगा और इसमें से तेल छोड़ने लगेगा तो ये रेडी हो गया है। चलिए, रेडी हो गया है हमारा फिश कलिया, बंगाली में जिसे कहते हैं मच्छर कलिया। अच्छा लगे एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और ये वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।